उसमें स्टार्टिंग में मैंने एक बकेट लिस्ट में अपना एक पॉइंट ऐड किया था, वो पॉइंट था कि मुझे मनाली जाना है। एंड फाइनली अब मैं मनाली जा रहा हूँ, सारा सामान पैक हो गया है एंड आई एम ऑल सेट टू गो टू मनाली। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या है व्लॉगर बनता हूँ ना तो सब साथ में लेके चलना पड़ता है। तो मेरी जो ट्रेन थी वो थी उसलापुर से, एंड उसलापुर तक जाने का सिर्फ एक ही जरिया था, वो थी जन शताब्दी जिसमें मैं सवार हो चुका था। अरे अंगूर की डाली में अंगूर लटक रहे हैं, अरे अंगूर की डाली में अंगूर लटक रहे हैं, और कहाँ जा रहे हो जाने पापा तेरे यादों में इसके आंसू लटक रहे हैं। अरे तुझसे प्यार किया हूँ लगबत्ती समझ कर, और तेरा बाप ने मुझे जला दिया गर्भवती समझ कर। अभी बज रहे हैं 1 और अभी से ठीक आधे घंटे बाद हमारी ट्रेन है दिल्ली के लिए। एंड यहाँ पर आने के बाद हमारे पास 4 से 5 घंटे थे, और इसी 4 से 5 घंटों के बीच में सब लोगों ने खाना खा लिया, अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, शॉपिंग कर ली थोड़ी बहुत बची कुची, एंड चश्मे जो थे चश्मे सब चश्मों के पीछे पागल हैं और सब चश्मे ले रहे थे। और क्या है ना कि ट्रेन छूट जाएगी ना तो 17,500 पानी में चले जाएगी, तो इसलिए ज़्यादा यहाँ लेट नहीं करते, चलते हैं ट्रेन पर। हीरो बनने के चक्कर में 0 मिल गया ना तो हीरो नंबर 0 कहलाऊंगा। बाय द वे मेरी फेवरेट मूवी है हीरो नंबर 0। काम करेगा मैं बैग उठा के, हाँ बिल्कुल देख के टूट गया, उठा के चढ़ाना ही है ना अपन को। हाँ बस चढ़ा दूँ उसमें। तेरा कौन सा है? जी नहीं, ये मेरी बर्थ नहीं है, पता नहीं किसकी है, बट अभी खाली है तो हम यहाँ पर आकर पसर चुके हैं। एंड इधर खान पान का कार्यक्रम चल रहा है, उधर गाना और भजन चल रहा है, और हम इधर बैठकर ब्लॉगिंग कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट्स कॉल्ड ब्लॉगर्स लाइफ। अभी आई एम वेरी टायर्ड, तो एक काम करने वाला हूँ, सोने वाला हूँ, एंड आई विल कैच यू गाइस व्हेनेवर आई एम अवेक। तो भाई एक होता है अकेलापन और एक होता है एक्सट्रीम अकेलापन जिसके शिकार मेरे दोस्त हो चुके थे। तो भी अच्छी स्प्रिट हमारे पास, स्प्रिट हमारे आसपास हो वो हमारे पास आए, हमें आपको हमें आपसे बात करनी है। ये जो गाइस, तो अभी बस थोड़ी देर को बनने वाले 12, एंड आज है हम में से एक आर्ची का बर्थडे, आज आर्ची का बर्थडे है, तो केक वेक सब आज ट्रेन में एंजॉय, एंड आज उसका बर्थडे हम ट्रेन में मनाने वाले हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। सो एक्चुअली हुआ ये है कि जो हमारी ट्रेन है ना वो 4 घंटे लेट चल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। बहुत ज़्यादा फॉग है जिसकी वजह से रात को भी ट्रेन बहुत रुक रुक कर चल रही थी। एंड जो हमारे ट्रिप गाइड हैं उनका ये कहना है कि अगर हम थोड़ा और जल्दी नहीं पहुँचते हैं तो हो सकता है कि मनाली से पहले ही हमको रोक दिया जाए कोई दूसरी जगह पर, एंड फिर कल मनाली पहुँचे। बट कोशिश यही रहेगी कि आज पहुँचे। शुभम कल क्या, आज ही है, आज इस लड़की का बर्थडे है, ये हमारी सगी है, आर्ची हमारी सगी है, आगे का तो आप जानते हो। सामान हमने डाल दिया है बस में और अब जाकर सीट लेनी। मुझे इस बस से मेरे जिम कॉर्बेट एंड नैनीताल की याद आ रही है, एंड ये वही बस है आई गेस जिसमें बहुत ज़्यादा बदबू थी। अराउंड 5 o'clock in evening and we just covered around 60 kilometers.
अभी तक तो बस में थे तो हमको पता नहीं चला ठंड का, बट बस से निकलने के बाद ना एक्चुअल ठंड का पता चल रहा है, क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट है ना ये खेत के पास में है एंड बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है इधर। अब आप में से कई लोग के बच्चे और बच्ची हमारे साथ ट्रिप में आई होगी, तो अंकल आंटी हम एक चीज़ कहना चाहते हैं, आप लोग मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं रोज़ व्लॉग करूँ, लेकिन मैं रोज़ व्लॉग नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज जो हमारा ट्रैवल है ना वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रखा है एंड इसी के चक्कर में ना एडिट मैं नहीं कर पाता, इतना दिमाग ख़राब होता है उसमें एडिट अगर करूँगा तो ये जो 17,500 देख के व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना ये नहीं बन पाएंगे, तो इसीलिए एडिट जो अपन एकदम आराम से करने वाले हैं। अभी आए हैं वापस बस में आर्ची का जैकेट लेने और उसके बाद उधर जाके थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खिंचाएंगे। कल जब हम लोग हवेली से खाना खाकर निकले तो मेरे साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ। वो हादसा ये हुआ कि जो मेरा जोबी का गोरिल्ला पॉड है ना उसका जो बोल्ट है जिससे हम एंगल सेट करके टाइट करते हैं वो निकल गया और पता नहीं वो लग ही नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश की तो ये पूरा टूर मुझे लगता है कि हाथ से ही व्लॉग करना पड़ेगा। एंड अभी हम लोग मनाली से कुछ 50 किलोमीटर दूर है एंड ये है वहाँ का व्यू। शानदार, मतलब ऐसा व्यू देखने के लिए आंखें तरस सी गई थी वैसा व्यू है। और आज के व्लॉग में बस इतना ही रखता हूँ, आप लोग को मिलता हूँ मैं अपने अगले व्लॉग में एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, कमेंट ज़रूर करना अगर अच्छी लगी होगी तो, क्योंकि कमेंट सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं एंड लाइक तो आई होप आप लोग ने ऑलरेडी कर दिया होगा। तो आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ एंड तब तक आप लोग देखो खूबसूरत time lapse.